sunsets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me a million years from now. Hey guys, welcome back to my channel. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मोस्ट ट्रेंडिंग काफ्तान टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस काफ्तान के साथ मैंने जो लहंगा स्कर्ट पेयर किया है, इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस काफ्तान को बनाने के लिए मैंने मटेरियल यूज़ किया है ऑर्गेंजा टिशू फैब्रिक 2 मीटर, लाइनिंग 1 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लाइनिंग के लिए सैंटून फैब्रिक को 4th फोल्ड में रखा है और टॉप के इनर पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो लेंथ में यहाँ रख रही हूँ 18 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन, 6 इंच पे आर्म होल, 6.5 इंच शोल्डर, और इसे इस तरीके से आर्म होल राउंड करना है। बस्ट 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, ऊपर से इस तरीके से 14 इंच पे एक मार्क करना है वेस्ट के लिए, और यहाँ पे वेस्ट राउंड मैंने रखा है 8 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन, और इस तरीके से साइड की मार्किंग को कंप्लीट करना है। निकलाइन वाइड 3 इंच, निकलाइन लेंथ 3 इंच, निकलाइन का शेप मैंने रखा है बोट नेक, और इसकी इस तरीके से मैं कटिंग कर ले रही हूँ। सेम इसी साइज़ का फ्रेंड्स एक ऑर्गेंजा फैब्रिक पे भी मैं इनर कट करूँगी। तो अब आउटर पार्ट कट करने के लिए मैंने ऑर्गेंजा फैब्रिक को रखा है 4th फोल्ड, वाइड है 30 इंच और लेंथ है इसका 22 इंच। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इस पर निकलाइन कट करने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैंने लाइनिंग के शेप में ही आउटर फैब्रिक पे भी निकलाइन कट कर लिया है। अभी इसके स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले लाइनिंग का इस तरीके से शोल्डर को स्टिच कर लेना है। ऑर्गेंजा का भी, जो मैंने एक और ऑर्गेंजा लाइनिंग कट करी थी, उसका भी मैंने शोल्डर स्टिच कर लिया है, और दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरीके से निकलाइन से बराबर करके रखा है। इसके ऊपर काफ्तान के लिए जो मैंने फैब्रिक पे निकलाइन कट किया था, उसे भी सेम इसी के ऊपर रख लेना है, और इसके चारों साइड पे एक स्टिच लगा लेनी है। तो स्टिच लगाने के बाद फ्रेंड्स, अब इसकी निकलाइन फेसिंग कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 4th फोल्ड में एक फैब्रिक को रखा है, और इसके ऊपर काफ्तान को इस तरीके से रख के निकलाइन की जो मार्किंग है सेम ट्रेस कर लेनी है। और फेसिंग के लिए यहाँ मैंने वाइड रखा है 1.5 इंच और इसकी कटिंग कर ले रही हूँ, और इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। इसके ऊपर बाकी का जो पार्ट है निकलाइन का, उसे रखेंगे इस तरीके से, और इसके चारों साइड पे एक स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद स्मॉल नॉचेस डालना है। अभी यहाँ पे जो इस फेसिंग का स्ट्राइप है, उसे बाहर इस तरीके से निकालते हुए मार्जिन को फेसिंग के साइड पे रख के एक स्टिच कर देना है। फेसिंग को भी मैंने फिनिश कर लिया है। अभी आर्म होल फिनिश करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक क्रॉस पट्टी ली है 1.5 इंच का। इसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर रही हूँ, और योक पार्ट की उल्टा साइड पर इस तरीके से आर्म के ऊपर रख के मैं इसकी स्टिच करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टिच कर ली है, और अब इसे इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद स्ट्राइप को मार्जिन को कवर करते हुए इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देनी है। सेम इसी प्रोसेस से दूसरे आर्म होल को भी फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों आर्म होल फिनिश कर ली है, निकलाइन भी फिनिश हो चुका है। अभी यहाँ पर शोल्डर लाइन से एक मार्क करना है, तो यहाँ पर मैं 14 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ वेस्ट लाइन के लिए। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे मार्किंग करनी है। ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसके ऊपर मैं ये मार्क कर रही हूँ, और इसी लाइन पे गाइस हमें एक स्टिच लगानी है। स्टिच मैं बड़े साइज़ की लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं गैदर्स बनाने वाली हूँ, तो यहाँ मैंने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पे इसके एक थ्रेड को इस तरीके से पकड़ के खींच के यहाँ फैब्रिक के ऊपर गैदर्स बनाना है, और इसका वाइड रख लेना है 16 इंच। तो यहाँ पे मैं इसका वाइड 16 इंच रख ली हूँ। इसी प्रोसेस से दूसरे साइड पे भी गैदर बना लेना है। गैदर बनाने के बाद इसे इनर के साथ इस तरीके से रखते हुए पिनअप कर लेना है, और इस लाइन पे एक स्टिच भी लगा लेनी है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। सो स्टिचिंग के बाद पिन को रिमूव करना है, और
इसके ऊपर मैं यहाँ पे आयनिंग कर ले रही हूँ। आयनिंग से यहाँ पे जो प्लेट बनाया है हमने उसे अच्छे से सेट कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने आयनिंग कंप्लीट कर ली है और अब इनर और आउटर के बॉटम पार्ट को फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करना है, साइड की भी फैब्रिक को डबल फोल्ड करके स्टिच करना है एंड बॉटम पार्ट के भी फैब्रिक को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने लाइनिंग को स्टिच कर ली है और अब आउटर फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। आउटर फैब्रिक का जो डबल फोल्ड है वो बहुत ही पतली साइज़ की होनी चाहिए, यहाँ पे आप बीडिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसके स्टिच कंप्लीट की है। अब दोनों साइड का जो स्लिप्स वाला पार्ट रहेगा उसे भी सेम इसी प्रोसेस से डबल फोल्ड करते हुए इसकी स्टिच करना है। फैब्रिक को बहुत पतला फोल्ड करना है। तो इसके सारे एजेस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स स्लिप्स के ऊपर हमें प्लीट्स बनाने हैं, तो दोनों स्लिप्स के ऊपर तीन तीन प्लीट्स बनाना है। तो फर्स्ट प्लीट इस तरीके से मैं बना ली हूँ और इसे हैंड सुई से टक कर ले रही हूँ। प्लीट का साइज़ मैंने रखा है 2 इंच वाइड का। तो ये हमारा फर्स्ट प्लीट हो गया है। अभी इसके नीचे एक और प्लीट बना लेना है और एक प्लीट मैं इसके ऊपर बनाऊँगी। प्लीट को ऊपर नीचे अच्छे से टक कर लेना है। तो अब इसके नीचे एक और प्लीट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से फैब्रिक को सेम फर्स्ट प्लीट की तरह ही फोल्ड किया है और इसके ऊपर भी स्टिच लगा ले रही हूँ। फर्स्ट प्लीट और सेकंड प्लीट के बीच में डिस्टेंस लगभग मैंने 1.5 इंच का रखा है। तो इसी तरीके से एक और प्लीट बना लेते हैं, ऊपर के साइड पे मैं बना रही हूँ। शोल्डर से निकलाइन से 6 इंच फैब्रिक को छोड़ के ऊपर वाला प्लीट बना लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने तीनों प्लीट कंप्लीट कर दिए। सेम इसी प्रोसेस से दूसरे स्लिप्स पे भी प्लीट्स बना के इसको टक कर लेना है, के ऊपर भी आयनिंग करनी है। यहाँ पे मैं अब फिटिंग स्टिच लगा रही हूँ। फैब्रिक को उल्टा रखा है, बस्ट में रखी हूँ 17 इंच, वेस्ट रखा है मैंने 16 इंच और दोनों साइड पर स्टिच लगानी है। स्टिच सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग वाले फैब्रिक पे लगानी है, मीन्स ऊपर का जो काफ्तान के लिए हमने फैब्रिक लगाया है उसके ऊपर स्टिच नहीं लगाना है। तो उसे अंदर के साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद लाइनिंग के ऊपर स्टिच लगानी है दोनों साइड पे। सेम इसी प्रोसेस से दूसरे साइड को भी स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक बेल्ट भी बना ली है जिसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ये रहा हमारे टॉप का फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।